हैं सेक्शन 43B के बारे में, तो सेक्शन 43B में मेंशन किया गया है कि ऐसे सप्लायर्स जो कि माइक्रो एंड स्मॉल हैं, अगर आप उनसे परचेस करते हैं और उनसे परचेस करने के बाद आपको 45 डेज़ के अंडर में उनकी पेमेंट करनी है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रो सप्लायर कौन होते हैं और जो स्मॉल सप्लायर हैं वो कौन होते हैं। देखिए, माइक्रो सप्लायर्स वो होते हैं जिनके बिज़नेस का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होता है और उन्होंने अपने बिज़नेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 1 करोड़ तक का किया है। ऐसे सप्लायर्स जो होते हैं उनको माइक्रो सप्लायर्स के कैटेगरी के अंडर में रखा गया है। सेकेंड, हम डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल सप्लायर्स कौन होते हैं जिनके बिज़नेस का टर्नओवर अप टू 50 करोड़ होता है और उन्होंने अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक रुपीज़ तक का किया हुआ है। ऐसे सप्लायर्स को कहते हैं स्मॉल सप्लायर्स। अगर ऐसे सप्लायर से आप परचेस करते हैं और परचेस करने के 45 डेज तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उसकी ITC यानी कि उसका आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, टैक्स नहीं ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने इस ईयर फरवरी में किसी ऐसे सप्लायर से परचेस किया है जो कि माइक्रो एंड स्मॉल में फॉल होते हैं। सपोज़ कीजिए आपने किसी भी ऐसे सप्लायर से ईयर के एंड में आपने परचेस किया है और विद इन 45 डेज आपने पेमेंट नहीं किया है तो उसका आप क्लेम नहीं ले सकते हैं। लेट सपोज़ इस ईयर लिया है तो 23-24 में आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप नेक्स्ट ईयर में जब भी आप पेमेंट करेंगे तो जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस ईयर का ITC आप नेक्स्ट ईयर लेंगे क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया था, आपने परचेस किया है स्मॉल एंड माइक्रो सप्लायर से। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको देख लेना है कि कौन से आपके माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर्स हैं, तो उनकी पेमेंट आपको विद इन 45 डेज कर देनी है सो दैट आप ITC उसका ले सकें। अगर आप नहीं पेमेंट करते हैं तो आप उसका ITC नहीं ले सकते हैं। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।